परेशान हो रहे हैं। ये बताओ बीजेपी वाले, तो बताओ कहाँ नौकरी दी उन्होंने बीजेपी वालों ने? भाई तुम्हारे नौकरी वाले मुद्दे में है ना, सबसे बड़ी चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर हम नौकरी का मुद्दा लेकर आते हैं तो सर ऐसा नहीं है कि वैकेंसियाँ नहीं निकलती हैं, जो जिस लायक है। अब सर सभी को नौकरियाँ तो नहीं दी जा सकती, ये चीज़ आप ही जानती हैं, है ना सर? और नौकरियों के लिए भी हमें परिश्रम करना पड़ता है, कहीं ना कहीं हमें एग्ज़ाम पास करने पड़ते हैं, क्रैक करना पड़ता है। तो जो जिस लायक होता है सर, जो जैसा वर्क करता है, जो जैसा परिश्रम करता है, उसको वैसा फल मिलता है। मैं इससे सर ये पूछना चाहता हूँ, ये पिछले 3 साल का देखो वहाँ से निकले कि बीजेपी ने कितने नौकरी निकाली आठ ज़्यादा और कितने लोग लगे उसके अंदर, क्या रिपोर्ट है, क्या कितने इनके पास? ये सर मैं बताता हूँ, देखो अगर आप नौकरी की बात करोगे तो नौकरी का रेशियो है, पिछले 3 साल अभी टीचर की भी वैकेंसी निकाली थी गवर्नमेंट ने, इससे पहले अभी रेलवेज की भी निकाली थी, इससे पहले बैंकर्स की भी निकाली थी। तो ऐसा नहीं है सर, देखो कहीं ना कहीं सरकार जो है कुछ, मैं ये नहीं कहूँगा, देखो सर सभी सरकारें सही होती हैं, कुछ बेनिफिट सरकार का भी होता है तो कुछ नेगेटिव पॉइंट भी होता है, कुछ पॉजिटिव पॉइंट भी होता है। ठीक है, सरकार ने हो सकता है रेशियो थोड़ा सा नौकरी का कम रखा हो, बट और मुद्दे हैं जिसमें बहुत अच्छा काम किया है। सबसे पहले कांग्रेस सरकार ये है कि जो है आर्मी का मुद्दा है उसको खत्म किया गया, आर्मी का मुद्दा मतलब खत्म किया, अग्निवीर भी खत्म किया गया। इससे क्या है, बहुत लोग बेरोजगार है, अग्निवीर से बहुत ज़्यादा लोगों को गुस्सा इस चीज़ का कि नौकरी नहीं मिली उन्हें। गाँव के लोग सुबह सुबह दौड़ रहे किस लिए दौड़ रहे, सुनने का हरियाणा किस लिए फेमस है, खेल के लिए फेमस है, सेना के लिए फेमस है, जवान के लिए उसके लिए फेमस है, वो नौकरी नहीं मिल रही उनको, 5 साल से परेशान हो रहा है। ये कह रहे हैं भाई देखो, जवान भी परेशान है, किसान भी परेशान है, पहलवान भी परेशान है, ठीक है, तीनों चीज़ें। सर सबसे पहली चीज़ अगर मैं आपको बताऊं, आपने एक मुद्दा भी बोला कि किसान परेशान है, किसान हरियाणा का किसान परेशान नहीं है, पंजाब का किसान परेशान है। आप एक ऐसा किसान बता दो जो बिहार से उठकर आया और आंदोलन कर रहा हो, जो यूपी से उठकर आया वो आंदोलन कर रहा हो, जो अदर स्टेट झारखंड छत्तीसगढ़ यहाँ के किसान तो आंदोलन कर ही नहीं रहे। और ये वो किसान है जिनके घर आप जाओगे ना, वो बिल्ला में बना हुआ है, कम से कम 1-2-3 एकड़ के स्क्वायर फीट एरिया में वो रह रहे हैं, इतनी ज़मीनों में रह रहे हैं, उनके घर के ट्रैक्टर पता नहीं ऐसी कौन कौन सी गाड़ियाँ जो आपने देखा नहीं होगा। ये चाहते हैं कि किसान वही रहे, अरे इसको 2 रोटी मिल पाए टाइम पे। ये चाहते हैं कि किसान विला में रहे, ट्रैक्टर चलाए, बुलेट चलाए, गाड़ी चलाए, इनका मकसद है किसान कोई 2 रोटी कमा सके, नाच पाल सके। आप ये कह रहे हैं आप नहीं चाहते हो कि अन्नदाता एक बढ़िया एसी वाले कमरे में रहे, बढ़िया इनका मकसद है कार से चले, आप ये कह रहे हैं सर? ये चीज़ मैं आपको क्लियर करना चाहूँगा, देखो ठीक है ये कह रहे हैं, बट सर आप ये देखो, ये जो किसान है वो क्यों परेशान हो रहे हैं? आप अगर हम बात करें अभी जो MSP लागू हुआ था, उसमें अगर आप पूरा डीपली पढ़ोगे ना सर, वो चीज़ें आपको समझ में आएंगी कि आप एक्चुअल में वो चीज़ें हैं क्या, है ना सर? तो थोड़ा सा देखो तौर तरीकों को समझना पड़ेगा, हम कई चीज़ें ऐसा होता है कि ऊपर समझ लेते हैं, आप एक एक पॉइंट को क्लियर करो कि ठीक है गवर्नमेंट का मकसद क्या है, गवर्नमेंट ने क्यों लागू किया है। तो ऐसा नहीं है सर, ठीक है, बट किसानों का अपना मुद्दा था, यहाँ पे अगर आप देखोगे हरियाणा और पंजाब के किसानों का देखोगे तो इनका खुद का मुद्दा था, बट ऐसा नहीं है सर कि उससे किसानों को रोष था। ऐसा कुछ नहीं है कि किसानों का लोस था उसके अंदर, किसानों का तो लोस है ही उसके अंदर भाई, जब आप किसानों की बात ही नहीं मानोगे, किसानों का तो लोस है, वो तो अन्न जाता है जो आपको पूरे देश को अन्न खिला रहा, हरियाणा क्या करता है, पूरे देश को तो अन्न दे रहा है, वो अनाज वो जो पैदा कर रहा है सबसे ज़्यादा, उसी की बात मतलब किसकी बात है? देश का सबसे अच्छा लीडर आपके हिसाब से कौन है? मेरे हिसाब से तो है अभी राहुल गांधी। राहुल गांधी से क्या क्या उम्मीद है? अभी तो उसे बहुत है, एक बार उनको शासन में आ जाना है, उसके बाद देखते हैं क्या क्या होना है, तो सारे काम करेंगे, क्योंकि एक बार इनको पता लग चुका कांग्रेस को कि हम काम नहीं करेंगे तो नहीं चल पाएंगे, अब उनको पता लग चुका है कि काम करना ही पड़ेगा देश के अंदर, तभी सरकार बन पाएगी। और इससे लोकसभा के चुनाव को पता ही लग चुका है क्या हुआ बीजेपी का हाल, पहले कितनी सीटें थी कितनी सीटें आई है, तो इससे पता लग चुका है इनको। सर अगर मैं बात करूँ आपने क्या बोला लीडर की, सर मेरे अकॉर्डिंग टू मी ठीक है, हर किसी का अपना अपना लीडर सेट होता है, हर किसी का अपना अपना गोल सेट होता है, लेकिन आज के टाइम में अगर एक अच्छे लीडर की बात करें, एक अच्छे नेता की बात करें, एक ईमानदार नेता की बात करें, एक सच्चे नेता की बात करें, तो मेरी नज़र में नरेंद्र मोदी जैसा देशभक्त, नरेंद्र मोदी जैसा सच्चा लीडर इस देश में नहीं है। क्योंकि सर मैं ये नहीं कह रहा, ये पब्लिक कह रही है, ठीक है सर, और कह रहे हैं ना कि ये पब्लिक सर पता क्यों कह रही है, क्योंकि सारे मीडिया चैनल बिके हुए हैं बीजेपी के पास, सारे मीडिया चैनल जो जनता देखेगी, जनता उसी की तो बढ़ाई करेगी। अब मान लो आप मुझे दिखा रहे हो तो जनता मुझे देख रही है, मेरे बारे में जान रही है, मेरी सोच विचार क्या, थिंकिंग क्या, मेरी TV न्यूज़ रिपोर्टर दिखाई चीज़ वही है बीजेपी के बारे में, पैसा भर रखा दे रखा, अब तुम ये चीज़ चलाओ,
कांग्रेस को चलाते नहीं है, कांग्रेस के बारे में कुछ चलाएंगे, उनकी नीतियाँ चलाएंगे, उसके चीज़ें चलाएंगे, तभी तो पता लगेगा लोगों को भाई कांग्रेस की क्या नीति है, क्या करना चाहते हैं कांग्रेस। सर अगर देखो इस बार कांग्रेस की सरकार बनी ना, देश फिर से 10 साल पीछे चला जाए। बहुत मुश्किल से संभाला है चीज़ों को, बहुत बारीकी से संजोया है और काफ़ी मेहनत लगी है इस चीज़ को करने में, तो मैं ये नहीं चाहूँगा कि ऐसा हो। बाकी सर जनता डिसाइड करेगी, वो तो सर पता लग जाएगा क्या क्या मुद्दे हैं मेन परिसर हरियाणा इलेक्शन में, मेन क्या क्या मुद्दे हैं, क्या किन मुद्दों पे काफ़ी लगता है, राहुल गांधी या यात्रा की स्टार्ट कर रहे हैं। हाँ यात्रा तो स्टार्ट कर दी है, अभी यात्रा रुकने वाली है कब तक रुकेगी? अभी रुकने का तो कोई नहीं, अब तो बस ये चलती रहेगी यात्रा लगातार, क्योंकि अभी का शासन आ गया है, बस 5 तारीख की वेट है, ये पता लग जाएगा बीजेपी वालों को क्या बीजेपी कहाँ स्टार्ट कर रही है, बीजेपी क्या हाल है, ये पता लग जाएगा 5 तारीख को। जैसे लोकसभा क्या क्या मुद्दे हैं भाई, क्या क्या मुद्दे ये है कि जैसे कि एक तो रोड का है, रोड की समस्या है, गुड़गांव के अंदर खाली आधे घंटे बारिश हो जाएगी तो गुड़गांव पूरा अगर भरा हो जाता है, इन्हें इसे पूछो। आज ही हम गए थे धनकोट में तो हमारी एक्टिव जा रहे थे, दोस्त है उसमें मेरा एक्टिव जा रहे थे, ये लगा लो कि 3 से 4 मीटर के पानी में ही हमारे एक्टिव बंद हो गए, इतना पानी जल भरा हुआ। बीजेपी की सरकार है वहाँ पे पूछो इसे क्या सर, जहाँ पे कांग्रेस की सरकार है एक बार मेरे को वहाँ पे ले चलो और वहाँ के रोड दिखाओ। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार थी इससे पहले, देखो कितने अच्छे रोड है, वहाँ के रोड कभी खराब होते हैं नहीं होते, रोड खराब इससे जब हम लोग राजस्थान पर गए, राजस्थान और अपने वहाँ वहाँ जाके रोड कैसा देखा? मैंने खूब अच्छा रोड देखा, मैं वैसे प्रॉपर बोलूँ राजस्थान से करता हूँ तो मुझे पता राजस्थान के रोड कितने अच्छे हैं, हरियाणा से बहुत अच्छे रोड। और क्या मुद्दे हैं? एक सड़क के मुद्दा होगा, सड़क के मुद्दे हैं, एक तो उसमें क्या है कि बीजेपी वालों ने जाति बाजी कर, बीजेपी को जो चुनाव लड़ना है वो जाति बेस्ड चुनाव है, हिंदू मुस्लिम करना है इसको, उसी पे इनका चुनाव है, मेन जो चुनाव है हिंदू मुस्लिम करना है। ये कह रहे हैं भाई हिंदू सर क्यों ना हो हिंदू मुस्लिम, और क्या और सर जरूरी है ये चीज़ क्यों जरूरी नहीं है, जब मुस्लिम लोग इतना अत्याचार करते हैं, इससे पहले उन्होंने इतना अत्याचार किया देश के ऊपर, और रही बात सर अगर आज हम थोड़ा सा अपना देख रहे हैं तो ये कह रहे हैं हिंदू मुस्लिम देख रहे हैं, पिछले 75 सालों से मुस्लिमों को देखते आ रहे हैं, मुस्लिमों को सपोर्ट कर रहे हैं, वो चीज़ कहाँ गई? आज तुम्हें 10 सालों से नजर आ रहा है हिंदू मुस्लिम हो रहा है, इससे पहले जो चीज़ें हो रही थी उस टाइम कहाँ थी आप, आपने उस टाइम आवाज़ क्यों नहीं उठाई? कांग्रेस ऐसी पार्टी है जो हिंदू मुस्लिम नहीं करती है, पूरे देश को साथ लेके चलती है, इनका बीजेपी का रोल ये है बस खाली इनको हिंदू को आगे बढ़ाना, इनको बस एक समुदाय को आगे बढ़ाना है, कांग्रेस का ये कि सारी जातियों को साथ लेके चलती है, सारी जातियाँ हिंदू मुस्लिम सिंध ईसाई सबके साथ साथ लेके चलती है। सर सबसे बड़ी चीज़ मैं ये बताना चाहूँगा लोगों को, ये गलत फहमी बात रखी है दिमाग के अंदर, अगर मैं बात करूँ कि ठीक है अलगाव करती है बीजेपी, कहीं ना कहीं मतभेद करती है, तो सर अगर आप देखना चाहेंगे जो हॉस्पिटल है या फिर जो सरकारी राशन है, जो डिपो है, क्या मुस्लिम वहाँ से राशन नहीं लेते, क्या सरकारी अस्पताल है मुस्लिम इलाज नहीं करवाते, या फिर अन्य जो भी सुविधाएं हैं गवर्नमेंट की तरफ से जो मिली जा रही है, क्या उसका जो बेनिफिट है वो मुस्लिम नहीं ले रहे, इस चीज़ पर आप मुझे बताइए। मैं ये कह रही थी उनको अनाज नहीं मिलता, कि भाई इनको सरकारी सुविधा क्यों ना मिले, सुविधा क्योंकि उनका अधिकार राइट्स नहीं है, सुविधा पेंट उनका वोट का अधिकार नहीं, उनका वोट भारत की जनता नहीं है। तो फिर आप ये क्यों कह रहे हो कि बीजेपी जो है वो सिर्फ मुस्लिम हिंदू के लिए है? आप रिपोर्ट आप न्यूज चैनल खोल के देखो सारे दिन हिंदू मुस्लिम होता रहता है, आप खुद न्यूज रिपोर्टर आप देखते नहीं देखते इसके अंदर कितना हिंदू मुस्लिम होता है, पूरे कोई गाड़ी टोपी वाला मिल गया तो उन्हें ऐसा लगता है कि आत्महत्या सर बीजेपी का सीधा यही मकसद है कि कोई टोपी वाला मिल जाए आत्महत्या। सर एक ही चीज़ कहना चाहेंगे इसमें कि जो देश का नहीं वो किसी काम का नहीं, कौन देश का नहीं सर, कुछ लोग ऐसे हैं जो देश में रहकर ही देश के विरुद्ध बोलते हैं, भारत में ही पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए जाते हैं, तो आप हाँ हमारा रहे हो और गांव के हमारे दुश्मन पड़ोसी देश का ये चीज़ बर्दाश्त ये है कि आजकल एआई का ज़माना है, लोग अभी एक कांग्रेस के उन्होंने हिंदुवाद हिंदुस्तान जिंदाबाद के नाम लगाए, एआई से कुछ चेंज करके पाकिस्तान जिंदाबाद के नाम लगाए, वीडियो के अंदर मैंने वीडियो खुद वेरीफाई किया अभी कुछ दिन पहले AGM के रिपोर्टर देव थे नवाद तो वही चीज़ उनसे पूछी थी, उन्होंने वीडियो ट्विटर पर अपलोड की थी, उन्होंने खुद ने बताया कि वीडियो गलत है AI से जरिए, क्योंकि बीजेपी के बड़ा एक वो है ना मीडिया रिपोर्टर का कि उसकी टीम बैठी होती है, जो टीम देखती है उसके विपक्ष में डालो।